कहेंगी मैम सलाम वेंकी के लिए कैसी रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच मूवी है और मतलब सबको देखनी चाहिए, फैमिली मूवी है। सेकेंड चीज़ इसमें मतलब इंस्पिरेशनल है काफ़ी ज़्यादा और काजोल के रोल भी बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। एज अ मदर क्या करना चाहिए हैंडीकैप, अब आज के सिनेरियो में बहुत पेरेंट्स छोड़ देते हैं, बट उस मूवी में दिखाया है कि कैसे अपने बच्चे को कैसे प्रॉब्लम्स और उनके सपने कैसे पूरे किए जाए और कैसे टैकल। आउट ऑफ 5 कितना रहेगा मूवी? 4.5। वन वर्ड फॉर काजोल्स एक्टिंग? शी इज ऑसम। वन वर्ड फॉर आमिर खान सर? उनका तो बात ही अलग है, वो तो हर मूवी में मतलब वो आगे चार चांद लग जाते हैं। ऑडियंस को क्या कहेंगी सलाम वेंकी को देखने? मस्ट वॉच मूवी है, जरूर देखने जाएं आप सब, काफी अच्छा वसूल। हाँ, पैसा वसूल। क्या कहेंगे सर सलाम वेंकी के लिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली रियली इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। हमने जो मूवी देखी कि मतलब है कि हर बंदे को देखनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं कि भाई दिखाया गया कि कैसे अपने बेटे के लिए माँ जो है क्या क्या कर सकती है। सब जानते हैं कि नॉर्मल सब हर माँ करती है, बट हमें हकीकत में मूवी में हम यूथ को बहुत अच्छी चीज़ें बता सकते हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाई। तो मस्ट वॉच मूवी, देखनी चाहिए सबको। हमारे भी हुए देख। हाँ बिल्कुल हुए, इमोशनल हम कनेक्ट कर पा रहे थे, तो हाँ अच्छी चीज़। आउट ऑफ 5 कितना? 5 में हमारी तरफ। क्या कहेंगे सर आमिर खान भी नजर आए हैं, उन कैसे लगे छोटा सा रोल? नहीं वो तो अच्छा एक्टिंग करते ही हैं, बाकी फिल्म भी बहुत अच्छी थी, मजा आया देखने, लगा कि कुछ खास देखा। हाँ मजा आया, मस्ट वॉच फिल्म है। आउट ऑफ 5? 5। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर सलाम वेंकी के लिए, कैसी रही, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम मूवी बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसमें एक लगे आजकल जो मूवी आ रही है ना उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं आ रहा है कि जैसे लव ज़्यादातर प्यार के बारे में आ रही है, मतलब कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, ये कुछ अलग आई है। इसमें जैसे लेकिन अपनी माँ बेटा रिश्ता दिखाया गया है, पूरी पूरी अपनी मोम और जैसे बच्चे जो प्यार होता है वो रियल दिखाया गया। थैंक यू। क्या कहेंगे सर काजोल ने मतलब माँ का रोल अदा किया है, उनकी एक्टिंग के लिए, उनके रोल के लिए? ऐसा लग रहा है एक्टिंग तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। हाँ माँ की याद आई, बिल्कुल बिल्कुल याद तो आएगी। हाँ आउट ऑफ 5 करना हो सलाम वेंकी को तो कितना रहेगा? फुल 5। काजोल की एक्टिंग के लिए वन वर्ड कहना तो क्या रहे? बस सुपर्ब। बोलते ना कि मम्मी दूसरी मम्मी है हमारे लिए, वो तो ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी कैसी रही सलाम वेंकी देख कर आई, कैसी रही? वो बहुत अच्छी मूवी है, इमोशन से रिलेटेड, एक मदर एंड सन की स्टोरी है, एक मस्ट वॉच मूवी है, इट इज सो गुड एंड ऑन 5/5। काजोल की एक्टिंग के लिए, उनके माँ के किरदार के लिए क्या कहेंगी, कैसे निभाई? बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी, एकदम नेचुरल एक्टिंग, इट वॉज सो गुड। एंड उसमें काजोल की एक्टिंग वॉज लाइक सो नेचुरल, एंड उसमें आमिर खान का भी जो रोल था बीच में एक छोटा सा कैमियो, इट वॉज सो गुड, द मूवी वॉज ओवरऑल फैंटास्टिक। ऑडियंस को क्या कहेंगी सलाम वेंकी को देखने के लिए? इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी, यू शुड ऑल वॉच दैट, इट्स सुपर्ब। Yeah, out of 5, it is 5/5, definitely. Yeah, paisa was, yeah, it was so good. क्या कहेंगे सर सलाम वेंकी के लिए, देखी कैसी रही ये मूवी? मेरे को बहुत अच्छी लगी और इस पे माँ बेटे का प्यार दिखाया गया था। एक्चुअली हम स्टूडेंट्स हैं तो हम बाहर रहते हैं, तो मैं भी अपनी मम्मी को मिस कर रहा हूँ बहुत इसे देख के। अब मैं कॉल करूँगा, बात करूँगा मम्मा से अपनी। और संघर्ष करते हैं पेरेंट्स, मतलब काजोल ने किस तरह से निभाया अपने रोल को, माँ बनी है वो मूवी के। हाँ जी, बहुत प्यारे तरीके से पोर्ट्रे किया है, और इसमें आमिर खान का भी एक कैमियो था, वो भी बहुत प्यारा लगा मेरे को। और अब मेरे को ऑडियंस को क्या कहेंगे इस मूवी को देखने? उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए, और जो बाहर बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए, वो फील करेंगे इनको कि कैसे पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। आउट ऑफ 5 कितना रहे? 5।